दोस्तों काफी टाइम से मैं ये सोच रहा था क्यों ना एक नया फोन परचेज कर लिया जाए, ताकि आपके लिए अच्छी क्वालिटी के ब्लॉग्स और अच्छी क्वालिटी के जो यूट्यूब वीडियोज हैं वो मैं ला सकूं। क्योंकि दोस्तों पहले मैं जो फोन यूज करता था वो मेरे पास ये मोबाइल फोन है, जो कि रियलमी 2 है, 13 मेगापिक्सल बैक कैमरा, फ्रंट से टूटा हुआ है। इसमें फ्रंट कैमरा जो दिया है वो 8 मेगापिक्सल का है। तो इस फोन से वीडियो में जो क्वालिटी आती है इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं आती है। केवल काम इतने दिन से मैं चला रहा था, तो फाइनली गाइस हमने अपना नया स्मार्टफोन परचेज कर लिया है, जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 30fps पे, और एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बता देना वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो ये जो हमने फ़ोन लिया है वो एक मिड रेंज फ़ोन ही है, मतलब 20,000 रुपये के अंडर ही है। लेकिन जो फ़ोन हमने लिया है वो है सैमसंग गैलेक्सी F62। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। पहले मेरे ब्लॉग्स होते थे उनमें फ़ोन हिलता डुलता था काफ़ी, वीडियो बनाते टाइम कोई भी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसमें मैं 4K वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये एक प्लस पॉइंट है, और मैं काफ़ी खुश हूँ अपने फ़ोन को लेकर कि मैंने एक नया फ़ोन परचेज कर लिया है काफ़ी टाइम के बाद। तो जो सैमसंग गैलेक्सी F62 मोबाइल फ़ोन है जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, इसकी एक्चुअल कीमत 24,000 रुपये है और 26,000 रुपये है। 6GB वेरिएंट की 24,000 रुपये है और 8GB वेरिएंट की 26,000 है। तो मैंने जो वेरिएंट लिया हुआ है वो मेरा 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, और ये मैंने 24,000 का लिया है। और ये एक मिड रेंज मोबाइल फ़ोन है जिसमें 4K वीडियो रिकॉर्ड, पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड और एक फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ 7000mAh की बैटरी भी मुझे मिली है। तो ये एक ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन मुझे लगा था। मैंने काफ़ी फ़ोनों के कंपैरिजन देखे थे यूट्यूब वीडियोस में, और तो मैंने कम से कम 15 दिन के बाद ये फ़ोन सिलेक्ट किया था। इस प्राइस पॉइंट पे आपको MI के, Realme के, ओप्पो, वीवो, मतलब सभी कंपनीज के मोबाइल फ़ोन मिलते हैं, लेकिन बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी में प्रोसेसर की दिक्कत है। तो इस चक्कर में जो पूरा कॉम्बिनेशन एक बन रहा है सारे मोबाइलों को मिला के, वो इसी फ़ोन के अंदर बन रहा है, इसलिए ये फ़ोन सिलेक्ट करने का मेरा एक मेन रीज़न था। तो आप समझ गए होंगे ये फ़ोन मैंने क्यों लिया है। बाकी इसके कुछ मैं आपको शॉर्ट्स दिखा देता हूँ किस तरीके की ये वीडियोस रिकॉर्ड करता है। बाकी फ़ोन जो मैं अगर हिला भी रहा हूँ तो भी काफ़ी अच्छा स्टेबलाइज फ़ोन करता है। बाकी जो आप कलर्स देखते होंगे बिल्कुल एक्चुअल कलर्स हैं जैसे कि दिखता है, कोई भी इसमें फिल्टर मिक्स नहीं किया गया है, ना कोई ब्यूटिफिकेशन इसमें मिक्स की गई है। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे कलर्स ये दे रहा है। तो मैं आपको कुछ बैक कैमरे से कुछ शॉट लेके दिखाता हूँ, और आपको अच्छे लगे कमेंट ज़रूर कर देना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स आप अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो आप सैमसंग गैलेक्सी F62 को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस फ़ोन में जो कैमरा क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। 32 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, और बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, 5-5 मेगापिक्सल के डेप्थ कैमरा और माइक्रो कैमरा मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छे शॉट कैप्चर करता है। मैं आपको कुछ शॉट्स भी दिखा देता हूँ जो कि मैंने फ़ोटो शॉट किए थे, बाकी कुछ वीडियो सैम्पल्स भी दिखा देता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो अभी मैं मोड चेंज करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो 12 मेगापिक्सल का दिया है। आप इसकी वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं किस तरीके की ये वीडियोस रिकॉर्ड करता है। तो आगे के जितने ब्लॉग्स आने वाले हैं सब आपको इसी फ़ोन से मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास इकलौता यही फ़ोन है अब। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी F62 से। तो आपको अंदाज़ा लग गया हो कैसी वीडियो क्वालिटी है।
तो दोस्तों आपको अगर फोन पसंद आया हो तो आप इसे ले सकते हैं, जल्दी भी परचेज कर सकते हैं, कोई भी इसमें फॉल्ट वगैरह नहीं है, काफी अच्छी अच्छी क्वालिटी में आपको देखने को मिलती है। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।